गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के हरीला गोलगो चितमाडी पंचायतों का सीमावर्ती क्षेत्र पांडेश्वर धाम में गंगा आरती व भक्ति जागरण का कार्यक्रम रखा गया था, जो शाम के वक्त में बनारस की गंगा आरती लोगों को देखने का मौका मिला तो इंसान की आत्मा तृप्त हो जाती है गंगा आरती से। इस वर्ष गिरिडीह जिले में पहली बार पांडेश्वर धाम में हजारों लोग बनारस के तर्ज पर गंगा आरती देखने आए। इस बार पांडेश्वर धाम में काफी लोगों ने गंगा आरती का लाभ उठाया। बताते चले कि गंगा आरती करने के लिए बनारस के प्रसिद्ध आचार्य अविनाश कुमार और उनकी टीम आई थी। कार्यक्रम को समाप्त होते ही आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बन चुका है। महादेव की नगरी बनारस को गंगा आरती के लिए विश्व में जाना जाता है। कई विदेशी मेहमान ने गंगा आरती की खूब तारीफ की है। क्षेत्र के सभी लोग गंगा आरती में भाग लेने बनारस तो नहीं जा सकते, लेकिन उसी तर्ज पर पांडेश्वर धाम में हुई गंगा आरती से काफी लोगों को बनारस की गंगा आरती का अनुभव होगा। के शुभ अवसर पर काशी से चल के आए ब्राह्मण देवता उन लोगों को मैं सबसे धन्यवाद देता हूं एवं यहां के जनता को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन है। और इस गंगा आरती को आज हम सबों ने अपनी आंखों से देखा, जो पहले टीवी वगैरह पे देखते थे, बहुत ही अच्छा लगा एवं बहुत ही अच्छा प्रस्तुति यहां के काशी के ब्राह्मण लोग ने किए। इसके लिए मैं पूरे पंचायत एवं पूरे बेंगाबाद प्रखंड की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हर एक साल देते आ रहे हैं, हर एक साल और देते रहेंगे, देते रहिएगा। देखिए जगत मंदिर में और माँ पार्वती के मंदिर में कलश दिया। जी जी जी, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। देना चाहता हूँ मैं पंडित श्री अविनाश शास्त्री को जी, क्योंकि इनके सानिध्य में हम लोग आए हैं। जी जी, ये पांच अर्चक जो आए हैं इन्हीं के सानिध्य में हम लोग आए हैं और सभी काशी विश्वनाथ से आए हैं हम लोग, वाराणसी से। हम लोगों को भी सौभाग्य की बात है कि आपके पांडेश्वर धाम में छठ पूजा के शुभ अवसर पे गंगा महाआरती का आप लोग आयोजन रखें और हम लोगों का भी सौभाग्य हुआ कि हम लोग अपना आके यहाँ पे छवि दिखाएं। और विशेष कहना मेरा ये है कि सनातन धर्म के लिए ये सब बहुत बड़ी बात है और सभी के दिमाग में ये सब बात नहीं आती है कि हमें महाआरती करवा लेना चाहिए या कोई धर्म काम पूजन पाठ करवा लेना चाहिए जी। तो ये सबसे क्या है कि अभी सनातन धर्म में देख के कुछ लोग सीखते हैं, आप बताएंगे तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप दिखाएंगे तो देख के जरूर समझेंगे। तो आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी अपने ब्राह्मण गण के तरफ से। बहुत बहुत मंदिर के प्रांगण में जो हमारे बीच बनारस काशी से जो पंडित जो आए हैं, बहुत भव्य ही तरीके से अपना गंगा आरती दिखाने का काम किए। मैं इसके लिए सभी पंडित जी को मैं अपने ओर से हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं और मैं साथ ही साथ फुचुट्टा नवयुवक समिति पांडेश्वर धाम के सभी नवयुवक समिति को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम में इन लोगों ने बहुत जोर शोर से सहयोग देने का काम किया और उसमें मनोज पांडे जी बहुत चढ़बड़ के काम किए, पंकज पांडे जी, अशोक शाह जी और रामचंद्र साहब जी और हमारे बीच हमारे साथी गोविंद साहब जी, सुनील पंडित जी और हम लोगों के गार्जियन सम्मान रेणुलाल चौरसिया जी, बाकी मतलब सभी गणमान्य लोग यहाँ, हमारे गार्जियन निर्मल साहब जी, मैं सभी को मैं अपनी ओर से हरला पंचायत की ओर से सबको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। किसी तरह के आप लोगों के बीच अगर सहयोग हमको मिले तो हमारा यहाँ कुछ नहीं है। 6 महीना मुखिया बनने के बाद आपके बीच देख रहे हैं मंदिर जो आपके बीच चकाचक दिखाया है और आने वाला 1 साल के अंदर मैं इस गंगा पवित्र गंगा में कसम खाता हूँ कि इस मंदिर को कायाकल्प बदल कर और रख दूंगा, ये मेरा प्रतिज्ञा। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे मुखिया जी के लिए, क्योंकि वो छठ पर्व है और इस पर्व पत्रकार बंधु को धन्यवाद देना चाहूंगा
कि आप लोग इतना देर से यहाँ हैं और गंगा आरती का पूरे समागम लिए हैं आप लोग। मैं हम लोग इस गांव ग्राम के लोग एक सपना देखे थे कि इस पंडेसर धाम का जीर्णोद्धार करेंगे और आज सपना साकार होने जा रहा है। गंगा आरती के माध्यम से हमारे पंडित जी जो बनारस से चल करके आए और अपनी परिस्थिति जो दिए हैं वो अकर्मणीय है, जो कि भुलाया नहीं जा सकता है। जो इन्होंने प्रस्तुति दिया है, जो दूर दूर में इसका समाचार जाएगा और लोग जानेंगे कि आज पंडेश्वर धाम में जो छठ घाट छठ के शुभ अवसर पर इन्होंने जो दिखाया है अपना कर्तव्य, जो आरती दिए हैं, पूरे गांव शुद्ध हो चुका है और हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं इनके प्रस्तुति देख करके। और हम चाहेंगे कि इस तरह से और दिन बाय दिन हम लोग जो है सो इसको और विकास करेंगे और इनका नाम रोशन हो और पंडेश्वर धाम का नाम, जैसे यहाँ बाबा धाम है, इधर झारखंड धाम है, बीच में पंडेश्वर धाम का सपना हम लोग देखे थे और आज सपना साकार हम लोग को हो रहा है और अगला बार दूर दूर से लोग देखने आएंगे और इनका नाम रोशन होगा पंडेश्वर धाम का और इस छठ घाट का। और मैं यही धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे मुखिया हैं श्री रजवार जी, हमारे बीच हैं गोविंद साहु जी, अशोक साहु जी, मनोज पांडे जी, पंकज पांडे जी, रामचंद्र साहु जी, इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, विनोद साहु जी, निर्मल साहु जी, हमारे बहुत से लोग हैं यहाँ जो काम करते हैं और सबका सहयोग प्राप्त है। और इस तरह से सहयोग अगर मिला, मैंने मिलते रहा, तो कहिए कि इसका कायाकल्प होगा और दूर दूर से लोग आएंगे, इनका भी नाम जो है सो जो नाम लिखाया जाता है। आज तो बेंगाबाद प्रखंड में हमें लगता है कि हम एक नंबर में चल रहे हैं, अब जिला में एक नंबर चलेंगे, उसके बाद झारखंड में, उसके बाद जो है सो देश लेवल पर इनका नाम हो, मैं यही कामना करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।